हम अगर मासिक धर्म अपवित्र है फिर तो हमारा इस धरती पर सांस लेना भी अपवित्र, या फिर सबसे बड़ी अपवित्र वो बेबुनियादी विचारधारा है जो हम औरतों को हर समय हर जगह हर तरीके से किसी भी बहाने नीचा दिखाना चाहते हैं। शिमा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम ये कंपनी क्यों छोड़ना चाहती हो। अर्जुन, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों साथ में काम ना करें। क्यों? वजह क्या है? हाँ, इट डजंट मेक एनी सेंस। आशिमा, मैं तुम्हारे फैसले के तर्क को समझ ही नहीं पा रहा हूं। अर्जुन, बहस करने से कोई फायदा नहीं, मैं फैसला ले चुकी हूं, इसमें मेरा भला है। कैसे? क्या मैं तुम्हारा भला नहीं सोचता? तुम क्या चाहती हो आशिमा? ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर एक नामी वकील बनना चाहती हो ना? तो वही तो कर रही हो तुम यहां पर। अर्जुन प्लीज। आशिमा, मेरे से ज्यादा इस फर्म को तो तुम चलाती हो, मुझसे ज्यादा यहां की बॉस तो तुम हो। देखो आशिमा, इस कंपनी में तुम्हें जितना फायदा है ना, उतना फायदा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। फिर क्यों? जिंदगी में सारे फैसले फायदे के लिए नहीं किए जाते। आशिमा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपना सारा कारोबार तुम्हारे नाम करने वाला हूं। इतना बड़ा कारोबार खुद से खड़ा करने में बरसों लग जाएंगे। हो सकता है, मगर वो मेरा अपना होगा, मेरी मेहनत, मेरा नाम। बड़े से बड़े केसेस के तोड़ निकाले, लेकिन तुम्हारे इस मसले को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अर्जुन, तुम मुझे अपना बिजनेस क्यों सौंपना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा लगाव इसमें नहीं है, तुम्हारा लगाव कहीं और है। एग्जैक्टली, और इसीलिए मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर यहां पे सारा काम ठीक ठाक चलेगा तो ही मैं गांव तक, गरीबों तक कानून की सेवा पहुंचा पाऊंगा, और ऐसे वक्त पे तुम मेरा साथ छोड़ रही हो। किसी को अकेला छोड़ना तुम क्या जानो अर्जुन? क्या? कुछ नहीं, हमारे रास्ते अलग हैं अर्जुन, ये तो तुम अच्छी तरह जानती होगी ना। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं आशिमा, प्लीज। हेलो स्नेहा, बिल्कुल सही वक्त पे कॉल किया तुमने। सब ठीक है ना? हाँ, गांव आने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल आन पड़ी है। कैसी मुश्किल अर्जुन? आशिमा इस्तीफा देना चाह रही है। प्लीज तुम उसे समझाओ ना, प्लीज उसे थोड़ा बात करके देखो ना, प्लीज। हेलो स्नेहा। हेलो आशिमा, कैसी हो तुम? जैसी थी वैसी हूँ, वही हूँ। आशिमा देखो, मैं वकालत के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि अर्जुन के काम में तुम उनका बहुत बड़ा सहारा, और ये तुम भी जानती हो शायद, मगर अर्जुन को किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये हम दोनों जानते हैं। अर्जुन अपने बारे में सोचता है, तुम अपने बारे में सोचती हो। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बारे में सोचूं। ये लो, अर्जुन से बात करो। स्नेहा, मैं तुमसे 15 मिनट बाद बात करूं, प्लीज। ओके, अब अर्जुन वो मैं, अच्छा ठीक है, तुम फोन करना। आशिमा,
अब मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तो मैंने बहुत पहले कर दी थी अर्जुन, पर उसकी सजा अब तक भुगत रही हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, मैं आजाद होना चाहती हूँ। ठाकुर जी साहब, गाड़ी निकालो, मेहमान को उठाने चलना है किसी को। ओके सर। हेलो मढ़ोक साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाद में कॉल करता हूं। तो आ ही गए आप दिगंबर जी? जी हाँ, सोचा कि आप डॉक्टर को लाने के लिए आप क्लिनिक जाएंगे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसे? हमने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। ये रहे कागजात। वाह दिगंबर, बैठो बैठो बैठो। देखो तुम भी जानते हो कि अपने वकीलों की कानूनी दांव पेच की वजह से तुम अभी तक बचे हुए हो दिगंबर सिंह, लेकिन इस बात को कभी भूलना नहीं वरना बहुत भारी पड़ेगा कि जिस दिन हमारे शिकंजे में तुम फंसे, मसल के रख देंगे दिगंबर। मड़ोक साहब आप ये भूल रहे हैं शायद, ये तुम एक पुलिस चौकी में हो, अब पुलिस के वर्दी में हमको तुम धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बयां कर रहे हैं। अदालत में तुम्हारे ऊपर तीन तीन अपराधों के केस चल रहे हैं। अपराधी हो तुम। अपराधी? मड़ोक साहब आप ये भूल रहे हैं कि अपराधी वो होता है जिसका अपराध अदालत में साबित होता है। राइट। और अपराधी वो भी होता है जो अदालत के सामने अपने अपराध को कबूल कर ले। राइट। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। एक नंबर का ठीठ है तू दिगंबर सिंह। मड़ोक, तुम्हें बड़ा गुमान है ना कि तुम हमारे खिलाफ अदालत में जुर्म साबित कर दोगे? 100%। हमारा भी ये वादा रहा कि हमारा जुर्म साबित करने से पहले अगर तुम्हारे हाथ पे हमने तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर नहीं रखा तो हमारा नाम भी दिगंबर सिंह नहीं, याद रखना, समझा? वो इस फिराक में कि हम यहाँ से चले जाएं और हम इस फिराक में कि तुझे यहाँ ले आए। क्यों, कोई सबूत नहीं मिला हमारे खिलाफ? सजा शुरू हो चुकी है दिगंबर सिंह, और तुम अभी भी सबूतों की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता या अकल से अंधे हो, हमारे गेम हमारे पैटर्न को समझ नहीं पाए क्या? अभी भी नहीं समझ में आया कैसे हमने तुम्हारे धीरे धीरे सारे धंधे चौपट करे, तुम्हें कसते गए और आज इस हालात में लाके खड़ा कर दिया है कि किसी भी वक्त तुम हमारे गिरफ्त में होगे, और फिर उसके बाद देखना हम क्या करते हैं। तब तक तुम एक काम करो दिगंबर सिंह, घर जाओ और सोने की कोशिश करो, नींद तो नहीं आएगी हम जानते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो गंदे सपने जरूर देखना, सच होंगे। आउट आउट। राम राम। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी और आपकी सेवा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर स्नेहा का हमारे स्टूडियो में सत्य की अदालत के बारे में जानने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बेटा, खूब खुश रहो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, परिवार का नाम रोशन करो बेटा। जी बुआ जी। बुआ जी, हम औरतों में कितनी शक्ति और सहनशीलता होती है ना? हाँ बेटा, ये तो सच है। वो देखो घर गृहस्थी और परिवार को भी संभालती है, और तो और बच्चे को जन्म भी महिलाएं ही देती हैं। जी बुआ जी, जन्म देने की चमत्कारी शक्ति भी हमारे पास है और महावारी का दर्द भी। पर ये भी सच है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे श्राप मानते हैं। आइए देखते हैं सत्य की अदालत। जरूर। शुरू करते हैं फास्ट। थैंक यू सो मच जज साहब। जज साहब, मेरी क्लाइंट मिसेस मूर्ति का दावा है कि उन्हें अपने ही घर में महीने के 4-5 दिन कैदी बना दिया जाता है, और कैद भी ऐसी जज साहब जहां पर ये ना तो अपने छोटे छोटे बच्चों से मिल सकती, ना ही पूजा पाठ कर सकती है, और ना ही अपने किचन में जाकर काम कर सकती। योर ऑनर, ये 5-6 दिन मिसेस मूर्ति के पीरियड के दिन है, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं। अगर ये मासिक किसी प्रकार का धर्म कहलाता है तो उस धर्म का पालन करने में इस महिला को भला क्या आपत्ति होगी? उसके लिए सजा क्यों है? जैसा मैं तो कहती हूँ, ये सरासर जुल्म है। वो हमारा ट्रेडिशन है, एंड ट्रेडिशन इज ट्रेडिशन। मिस्टर मूर्ति, आपका ये जो ट्रेडिशन है ना, इस औरत के लिए अत्याचार है। आप कहना क्या चाहती हैं? जैसा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड या मासिक धर्म है, ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही आम बात है। इसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इससे मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, पर मुद्दा क्या है? जज साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अगर ये नॉर्मल शारीरिक क्रिया है तो फिर इसे छूत का दर्जा क्यों दिया जाता है? ऑब्जेक्शन, ये सिर्फ इनका वहम है। मैं ये साबित कर दूंगी वकील साहब कि आज भी हमारे समाज के कई जगहों पर हम औरतों के पीरियड को छूत की बीमारी का ही दर्जा दिया जाता है। कोई सबूत है आपके पास? जज साहब, मैं मिस्टर मूर्ति से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड। क्या पीरियड्स के उन दिनों में भी आप अपनी पत्नी को किचन में जाने देती? No. क्या उस दौरान वो अपने 6 साल के बेटे और अपनी 3 साल की मासूम बेटी को वैसे ही बाकी के दिनों के जैसे गोद में लेकर खिला सकती? No, never. Okay. मिस्टर मूर्ति, क्या आप बताएंगे कि उस समय आपकी पत्नी को परमिशन है पूजा रूम में जाने की? ये अदालत है, आपसे जितना सवाल किया जाए प्लीज आप सिर्फ उसी का जवाब दें। क्या आपकी वाइफ को परमिशन है पूजा रूम में जाने की पीरियड्स के दौरान? एब्सोल्युटली नो। एब्सोल्युटली नो? क्यों? क्यों मतलब है? पीरियड्स के टाइम पे लेडीज लोग इम्प्योर रहता है ना, प्योर नहीं रहता है, अपवित्र रहता है। आप भी वुमेन है ना, आपको नहीं मालूम? यू मीन मिस्टर मूर्ति कि आपकी अपनी पत्नी अपने ही घर में पीरियड्स के दौरान अछूत हो जाती? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर मूर्ति, आप जवाब दें फास्ट। योर ऑनर, मैं ही रूल बनाया क्या? मैं खाली फॉलो करता घोड़ा जैसा। जो इम्प्योर है इम्प्योर है ना सर। क्या इम्प्योर है मिस्टर मूर्ति, और ये आप किस बिना पर कह सकते हैं? आर यू अ सर्टिफाइड डॉक्टर, scientist, or what? Objection! This is pure nonsense! What nonsense? Your nonsense! This is idiotic! No, no, I can't take it! No! Even this I can't take it! I'm talking to my friend! आप लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल कर रहे हैं। और मैडम, आप बैठ जाइए। मिसेस सरिता, आपकी क्या राय है? सर, सॉरी, योर ऑनर, मेरे को ये लॉ सोसाइटी सब नहीं समझता। मेरे को बस इतना मालूम है कि मेरा पीरियड्स के टाइम में मेरा ही फैमिली मेरा अगेंस्ट हो जाता है और मेरा बच्चा लोग भी बीमार पड़ जाता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं? क्यों? अब मैं घर पे खाना नहीं पकाएगा तो खाना तो बाहर से ही आएगा ना, वो मेरे बच्चा लोग को सूट नहीं करता है। मिस्टर मूर्ति, क्या ये सच है? बराबर है। बराबर है? तो अगर आपको इतना ही परहेज है तो आप उन दोनों के लिए खाना क्यों नहीं बनाते? आयो प्लीज, नो योर ऑनर, ये अगर खाना बनाएगा तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मर जाएगा। अलग बच्चा नहीं ना, पूरा पाते और चाहिए इच्छन मरे दिखे। इन्हें बापू ने आटी मर पा रहे हैं, ये पांडा मरता रहे, ये पांडा आटी मरता रहे। अरे आप लोग साहब, आप लोग भी अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। जैसा साहब, मिसेस सरिता को अपने पीरियड्स के दौरान पूजा कक्ष में जाने की इजाजत नहीं, क्यों नहीं? क्यों? अरे मुझे क्या मालूम? मैं बताती हूँ जैसा। जैसा साहब, अगर मासिक धर्म अपवित्र है फिर तो हमारा इस धरती पर सांस लेना भी अपवित्र, या फिर सबसे बड़ी अपवित्र वो बेबुनियादी विचारधारा है जो
जो हम औरतों को हर समय हर जगह हर तरीके से किसी भी बहाने नीचा दिखाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैडम, अगर आपका भाषण पूरा हो गया हो तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। यू मे प्रोसीड। डॉक्टर साहब, क्या आप अदालत को बताएंगे कि ये पीरियड ये क्या चीज है? हाँ जी, नॉर्मली औरत के पीरियड्स जो है ना जी, वो 11 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं और ये तब तक जारी रहते हैं जब तक औरत के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता हो, यानी वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है और उसने गर्भ धारण कर लिया है तो फिर ये पीरियड से नहीं आते, ये तो सबने पता है। तो आपने मान लिया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो जरा हमें भी बताइए क्या है ये नेचुरल प्रोसेस। वकील साहब, कुदरत हर महीने औरत के गर्भाशय में अंडे तैयार करती है और उन अंडों की सुरक्षा के लिए एक जो है खून की लेयर बना के रखती है। अगर किसी महीने में औरत प्रेग्नेंट मतलब गर्भ धारण नहीं किया उसने, तो ये दीवार अपने आप टूट जाती है और उसके अंदर से ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं ये खून के रूप में बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये जो साइकिल है ना जी, ये हर महीने अपने आप में रिपीट होती रहती है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, हम सदियों से ये मानते आए हैं कि पीरियड में जो खून बहता है वो इम्प्योर होता है, अपवित्र होता है, तो क्या ये हमारी मान्यता गलत है? वकील साहब, यही जो खून है ना, यही खून गर्भावस्था में बच्चे के विकास का आधार होता है। अब अगर ये खून अपवित्र है तो फिर तो इस संसार में जन्मे हम सब जीव मतलब इंसान अपवित्र है, मतलब आप भी अपवित्र हो, मैं भी अपवित्र हूं, और माफ करियो जज साहब, आप भी अपवित्र हो। ठीक है, समझ गए, आप बैठ जाइए। तो मिसेज मूर्ति, कुछ समझ में आया आपके? अगर डॉक्टर साहब की बात मान ले तो तुम्हारे दोनों बच्चे भी अपवित्र कहलाएंगे। हाँ, और हमारी सारी मान्यता फ्लॉप हो गई। तूले मेरे दाद बनोले। ये बोल पड़ची, यहाँ मस्ता नीर पातेर ना लेकर देखचान, ना ना उन्तद बुडले। मिस्टर मूर्ति। बस हो गया। थैंक यू डॉक्टर, मेरे को ये पैक्ट मालूम ही नहीं था। मूर्ति। ये तो पातेर नहीं, मंडे बेचान, कान रहने चिक पूरा कैल्सा पुरते नीटा भाई दे रहे, उनचुर मनी पंदे कुल्ला रहा पचे, पोत कुल्ले दे मनी पंदे, मतलब जाके बैठो। मिस्टर मूर्ति, ये फैक्ट केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी को मालूम होना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपनी जवान होती बेटी को ये समझा सके, उसे बता सके कि उसके भीतर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हैं और क्यों हैं। योर ऑनर, ये हम लेडीज लोगों को एक्सपीरियंस है, पर ये हस्बैंड लोगों को समझना चाहिए ना कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, एक बहुत नॉर्मल सा बात है। मिस्टर मूर्ति, क्या आप मानने को तैयार हैं कि औरतों का मासिक धर्म मर्दों के लिए एक मानसिक वहम बन सकता है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है? आप फैसला सुनाते हैं या मैं फैसला करूं? योर ऑनर, मैं खुद का जजमेंट खुद ही सुना दिया, मैं गिल्टी है, मेरा वाइफ इम्प्योर नहीं है, मेरा इधर इम्प्योर है, इधर कचरा है, मैं पहले उसको क्लीन करेगा। वेरी गुड। और उससे भी पहले मैं मेरे बीबी से माफी मांगेगा। क्यों नहीं? हमने जाना कि मासिक धर्म या माहवारी महिलाओं में स्वाभाविक है, फिर भी कुछ लोग प्रकृति की इस क्रिया को गलत नजरिए से देखते हैं। मर्द के चेहरे और छाती पर जब बाल उगते हैं तो क्या हम इसे पशुताप या श्राप का नाम देते हैं? तो बस, माहवारी भी ऐसी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। एक बात बताऊं आपको,
अगर औरतों में ये गुण ना होता तो धरती पर एक भी इंसान पैदा नहीं होता। मगर कुछ लोग इस चमत्कारी गुण को या तो समझते नहीं हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते। एक औरत होने के नाते मुझे गर्व है मेरे मासिक धर्म पर, क्योंकि यही स्रोत है हमारी संतान की उत्पत्ति का। इसमें शर्माने की या अपने आप को कुछ कम समझने की कोई बात नहीं, बल्कि ये तो सबूत है महिलाओं की शक्ति और सहनशीलता का। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। You.